अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज एक बागीचे में हूँ जो मुकम्मल तौर पर थल एरिया में है, और ऐसी रेत जिसमें कुछ भी नहीं है। ये देखें दोस्तों, और नीचे का पानी मुकम्मल तौर पर कड़वा, सख्त कड़वा। अगर ये पानी लगाया जा रहा है तो ये मीठा पानी है पाइपलाइन के जरिए। मुझे टास्क मिला है इस बाग को कामयाब करना है। फल देता है लेकिन बहुत कमज़ोर फल होता है, तो इसको कामयाब करना है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये देखें आपके सामने ये बेरी है, माशाल्लाह फल भी है। ये देखें ये बीमारी लग गई है इसको, क्योंकि नीचे का पानी बिल्कुल कड़वा है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और जो रेत है उसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल खुश्क रेत, कुछ भी नहीं। ये देखें दोस्तों, जिसके पत्ते भी अभी झड़ गए हैं। ये देखें क्या फल है, फल देखें ऐसा फल होता है। तो मैंने तजवीज़ किया है इसको मड, कौन सा मड, जो शुगर इंडस्ट्री का मड नहीं निकलता फजला, बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही ताकतवर। वो इंशाल्लाह इस बागीचे में मड का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद इसको देखना अगले साल कैसा फल देता है और कैसा ताकतवर होता है। जो जिन दोस्तों की ज़मीनें कमज़ोर हैं, मैं दिखाने का मकसद ये है, जिन दोस्तों की ज़मीनें कमज़ोर हैं या रेत है, तो वो शुगर इंडस्ट्री की जो बाकियात हैं, जिसको मड को बोला जाता है, चाहे वो ताज़ा हो या बासी हो, उसको लें, ख़रीदें और अपने पौधों को डालें। पौधों को डाल के फ़ौरन पानी लगाएं, ऐसे नहीं डालना, पौधों को डालकर गोडी करें। रेत में या कमज़ोर ज़मीन में या कड़वी ज़मीन हो या शोर कलर वाली थोर, जैसे कलर सेम थोर होती है, वो उसमें मिक्स करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और पानी लगाएं। जैसे ये पानी लगा रहा है, ये देखें पाइप के ज़रिए, माशाल्लाह। तिरंदे ही हैं, जानवर भी हैं, ये सिरस काट के बकरियां खा रही हैं, ये मोर हैं, ये आपके सामने खूबसूरत मोर। दिखाने का मकसद ये है, ये एक बहुत ही कमज़ोर तरीन एरिया है, ना नीचे का पानी साफ है, ना इस रेत में कोई हल्की फुल्की मिट्टी है, प्योर खालिस रेत है। जब इसमें मड आ जाएगा तो ये मिक्स हो जाएगी, प्योर रेत नहीं रहेगी। और मड में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत ताकत होती है, हर किस्म की ज़मीन के लिए मौजूद होती है, तो ज़मीन जरखेज़ हो जाएगी, इसके पत्ते झड़ना बंद हो जाएंगे, इसका फल मजबूत होगा, मोटा होगा और अच्छा खासा फल देगा ये बागीचा। ये देखें दोस्तों, ये अनार अभी से झड़ गए हैं, जबकि अभी मौसम नहीं है। ये अमरूद माशाल्लाह, इसकी मैंने कटाई करवाई थी, माशाल्लाह अच्छी खासी खूबसूरत शाखें निकली हैं, लेकिन फल नहीं है। क्यों फल नहीं है, कि ज़मीन कमज़ोर है ना, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है, पानी के ज़रिए बस गुजारा होता है। देख ये किनो, देख माल्टा, देख छोटा छोटा छोटे छोटे, ये अनार का हाल। इंशाल्लाह जब इसको मट डालूंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे होता है ये पौधा। ये अमलतास, अमलतास देखा है आप लोगों ने, ये अमलतास। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मड का इंतज़ाम कर लिया गया है और इसको मड डालेंगे
अगले साल के लिए इसकी मज़ीद इसको कामयाब करेंगे, फल लेंगे इनसे और इस बागीचे को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इलाके भी जहाँ कमज़ोर तरीन एरिए हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं। ऐसे है ना दोस्तों, ये देखें दोस्तों, लेकिन इसकी कलम नहीं की गई, ये खट्टी की खट्टी करिए, इसको इंशाल्लाह फरवरी में कलम भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़।